किसी को दिखाने को आप 2 दिन पढ़ाई कर सकते हो, 4 दिन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद के प्रति ऑनेस्ट है कि मैं पढ़ रही हूँ 5-6 घंटे तो इफेक्टिवली पढ़ रही हूँ, ये तो नहीं है बीच बीच में मैंने फोन चेक कर लिया, चैटिंग शुरू कर दी, किसी का कॉल आ गया और आप उसको बोलेंगे कि नहीं मैंने आज तो 6 घंटे पढ़ाई करी है, बस किसको बेवकूफ बना रहे हो आप, अपने आप को ही। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ सीनियर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनमें से कितने सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, और अगर एक आप सीरियस एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज के, चाहे वो स्टेट PCS हो गया या फिर आपका UPSC हो गया, तो उनके अंदर कुछ एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज़ क्या हैं वो हम बात करेंगे, और इन क्वालिटीज़ के बेसिस पे आप खुद को भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कहीं ऐसे ही टाइम पास तो नहीं कर रहे भेड़ बकरियों वाली जो रेस है उसमें। ठीक है, सबसे पहला तो आएगा हमारा डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, एक प्रॉपर अगर आपका कोई प्लान है, जैसे मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैंने एक प्लान बना रखा है कि मुझे आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, सॉरी, या फिर ये वाला आपको टॉपिक पढ़ना है, वो जो भी हो, अगर आप उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं कि डेली मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, फिर 5 से 6 ही करनी है मुझे, मैंने इतना ही डिसाइड करा है, मैं कम पढ़ूंगा लेकिन इफेक्टिव पढ़ूंगी मैं। ठीक है, तो अगर आप उस प्लान को फॉलो कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं अपने आप में, कोई भी छड़ी लेके डंडा लेके आपको नहीं बोलने आ रहा है कि आप उठो और अभी पढ़ो, ठीक है, यू हैव टू डिसिप्लिन बाय योरसेल्फ, खुद के अंदर से ही आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास मोटिवेशन होने की ज़रूरत है। मोटिवेशन, वो वाला मोटिवेशन अगर आप लेके आए कि रॉयल एंट्री देख ली IAS ऑफिसर की, IPS ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की, वो उसकी बात नहीं कर रही, वो एक बहुत ही एक लाइक अ बबल होता है जो थोड़ी देर में शांत हो जाने वाला है। अगर आपके अंदर इंट्रेंसिक मोटिवेशन है तो आप डिसिप्लिन जरूर होंगे। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है देन वेल एंड गुड, आप एक बहुत अच्छे ही, मतलब मैं कहूँगी जो सक्सेस हो सकते हैं उस प्रकार के आप एक एस्पिरेंट है। सेकेंड आ जाता है ऑनेस्टी, आपको खुद के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, किसी को दिखाने को आप 2 दिन पढ़ाई कर सकते हो, 4 दिन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद के प्रति ऑनेस्ट है कि मैं पढ़ रही हूँ 5-6 घंटे तो इफेक्टिवली पढ़ रही हूँ, ये तो नहीं है बीच बीच में मैंने फ़ोन चेक कर लिया, चैटिंग शुरू कर दी, किसी का कॉल आ गया और आप उसको बोलेंगे कि नहीं मैंने आज तो 6 घंटे पढ़ाई करी है, बस किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप, अपने आप को ही। तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा खुद के प्रति, और ये जो ऑनेस्टी वाली हमारी क्वालिटी अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं उसके बाद भी बहुत काम आएगी। ठीक है, थर्ड वन आ जाता है पेशेंस। हर बच्चा तैयारी में यही सोच समझ के कूदता है कि मुझे 1 साल में 2 साल में अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, सबसे पहले बात तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है, लेकिन नई चीज़ें वर्क नहीं करेंगी आपके अकॉर्डिंग, भाई बहुत सारे यू नो रीज़न हो जाते हैं उसके अपने, तो यू हैव टू बी पेशेंट। अपने आप में इतनी लॉन्ग जर्नी होती है ये, तो वहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर नहीं होता एक बार में देन नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप धैर्यवान पर्सन नहीं है, पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट हैं, तो ये तैयारी आपको एक बहुत ही पेशेंट पर्सन बना देती है। अगर नहीं बना पाएगी आपको तो फिर आप खुद से ही क्या कर देंगे, आप क्विट कर देंगे। ठीक है, तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें, अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं, वो एक कहावत है ना कि एक महल बनने में और एक छोटा सा घर बनने में, कमरा बनने में वक्त लगता है। ओके, फोर्थ आ जाता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके अंदर होना ज़रूरी है। मैं छपरियों का लीडर, अपनी गैंग के लीडर होंगे, उन लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे भाई, कल को आप एक पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाएंगे, तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे अपनी टीम को लीड करना है। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, ये पहली बात तो प्रिपरेशन आपको उस तरीके से प्रिपेयर ही कर देता है कि आप एक इफेक्टिव सिविल सर्वेंट बन के उभरते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर डिसीजन एबिलिटी, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्विक डिसीजन ले सकें आप, क्विक के साथ साथ सही भी होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपको वहाँ पे अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जो भी आप कर रहे हैं काम उसके यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर दैट डिसीजन। ओके, ऐसा नहीं है डिसीजन ले लिया आप हते पते छोड़ गए देन, वो नहीं होता। ओके, अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी एनवायरनमेंट में उठा के आपको रहने की अडॉप्टेबिलिटी होती है। अभी आप प्रिपरेशन करते हो, तमाम बहाने होते हैं, ठंड आ गई कि ठंड में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठंड लग रही है। ओके, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, अगर कहीं रूरल बैकग्राउंड में ज़्यादा यू नो डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे अगर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं सिविल सर्वेंट्स को, तो उनको एज अ पनिशमेंट लेके चलते हैं वो, बट नहीं, आपको अंदर अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कहीं भी, ठीक है, क्या कर सके, किसी भी एनवायरनमेंट में आप सूटेबल हो। तो ये कुछ आपके यू नो क्वालिटीज़ हैं जो एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे में होनी चाहिए। तो आई होप कि इनमें से अगर आपके अंदर 4 क्वालिटीज़ भी हैं, तो 5 और 6 तक जितनी भी हैं, एटलीस्ट 4 तो होनी चाहिए, तो आप एक अच्छे
मैं बोल सकती हूँ कि आपके चांसेस हैं कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. सो ओके, डेट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.